सैल्यूट ब्रेव ऑथर्स ऑफ यूएसए, हम अमेरिका के महान बहादुर साहित्यकारों को सशस्त्र नमन करते हैं, कोटि नमन करते हैं। आपने संपूर्ण विश्व में सुसंदेश दिया है, कलम के द्वारा सभ्य समाज का निर्माण किया है, आपने सही दिशा प्रदान की है। आप साहित्य के हीरे हैं, जेम्स ऑफ लिटरेचर, जेम्स ऑफ द वर्ल्ड। आपकी चर्चा भारत में होती है। वर्ल्ड लैंग्वेज सेंटर, इसाक एसिमोव जी, आपने 500 पुस्तकों की रचना की थी, आपने 90,000 पत्र लिखे थे, पोस्टकार्ड लिखे थे, आपने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के लिए समर्पित किया था। यू हैड डिवोटेड योर लाइफ फॉर सर्विस ऑफ द लिटरेचर, सल्यूट। जोसी कैरल ओट्स, आपने अपने जीवन में 58 रचनाएं लिखी हैं, हम आपकी बहादुरी, आपकी सकारात्मक सोच को नमन करते हैं। जोसेफ अलेक्जेंडर अल्टसेल्टलर जी, आपने 57 वर्ष के जीवन काल में 51 रचनाएं लिखी थी, हम आपको नमन करते हैं। फ्लॉयड अलेक्जेंडर जी, आपने 83 वर्ष की उम्र में 48 कृतियां लिखी थी, हम आपके त्याग और समर्पण को नमन करते हैं। टॉनी अबोट जी, आपने 40 रचनाएं लिखी हैं, हम आपको नमन करते हैं। सायसी तेजस्विनी जूडी ब्लूम जी, आपने 25 उपन्यास लिखे हैं, फॉरएवर आपका ज्ञानवर्धक उपन्यास है। सायसी एनी टाइलर जी, आपने 23 उपन्यास लिखे हैं, ब्रेथिंग लेसन्स आपका उपन्यास ज्ञानवर्धक है। हम सभी साहित्यकारों को, कलमकारों को, रचनाकारों को, कृतिकारों को, भावकारों को, सत्यकारों को सशस्त्र नमन करते हैं। डैन आर फाउलर जी, जैक्सन स्टेफोर्ड सीरीज 25, द रिजोल्यूशन रेस्टिट्यूशन एक्सपोज्ड, आपने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के लिए समर्पित किया है, हम सभी साहित्यकारों को नमन करते हैं, कोटि नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, आपने संसार को सुसंदेश दिया है। थैंक यू गूगल, यूट्यूब। साहित्य ही जीवन है, साहित्य हमेशा जिंदा रहता है, साहित्य प्रकाशित करता है। दांके ग्राचिए मुल्चुमेस्क कोशोनाम फाला बलागोदारा एदूपे दालू ईमेला गादा गी नापेंडा अमेरिका, नापेंडा कीनिया, नापेंडा भारत। असांते साना
थैंक यू, धन्यवाद।